मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये फेस्टिवल के लिए। मम्मा तू की जान कौन है? अरसू के सामने तब से तुमको कैसा बुला। एक चीज करते हैं, मैं कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी हूँ, ठीक है? अगर सामने वाले लोगों को कन्फ्रंट करना है, मैं तो रेडी हूँ कन्फ्रंटेशन के लिए। अभी इसके आगे इस टॉपिक पे और नहीं बात करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ ये। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइज, बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ की बात है, क्योंकि अभी जैसे कि बहुत लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ, मतलब पता भी होगा बहुत लोगों को कि अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, और वो मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि इस फेस्टिवल में इतनी पॉजिटिविटी होती है। ये फेस्टिवल एकदम पॉजिटिविटी के साथ आता है और आपकी सारी नेगेटिविटी लेकर चले जाता है। तो गाइज, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये फेस्टिवल के लिए। खुशी तो इस बात की है कि फेस्टिवल तो अभी आने वाला, लेकिन उसके पहले ही नेगेटिविटी निकलना चालू हो गई है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ उस चीज के लिए। और गाइज, अभी मेरे घर पे अरसू आने वाला है, मैं वेट कर रही हूँ उसका। मतलब मम्मी ने उसको बुलाया है, पता नहीं मम्मी और उन लोग का क्या चल रहा है। मम्मी तो उसको बुलाते ही रहते और वो आता नहीं है, मोस्टली तो बहुत नाटक करता है, लेकिन मम्मी ने उसको बुलाया है अभी। मम्मी बोले तू आ बेटा, मेरे को तेरे से बात करने की है। तो अरसू बोला ठीक है, तो फिर अभी वो आने वाला है, तो लेट्स सी वो कब आता है। और यहाँ पर है हमारी चंगू। हेलो मम्मा, क्यूटी। आज हम लोग दोनों ने ब्लैक पहना है, ट्विनिंग। अत्तू की जान कौन है? ओए ए अकड़ू, अत्तू की जान कौन है? जल्दी बता, बहुत मारूंगी। अत्तू की जान कौन है? तो गाइज, अभी वेट करते हैं अरसू का, तो जैसे अरसू आता है आपसे मिलाती हूँ। सो गाइज, अरसू आ गया है। हेलो, कैसे हो? वो बाजू वाली उसकी फ्रेंड है ना, उसको बुला रही है दीदी दीदी बोल के। और कैसे थे? क्या हो गया तुमको? मूड क्यों ऑफ है? ओ, दवाई खा लो तू, हेडेक की दवाई तू। अच्छा ठीक है। तो क्यों मम्मी तुमको बुला रहे आजकल? क्या बात करना रहता है तुम लोग को? क्या और मेरी मम्मी मेरे को ही नहीं बोलते कुछ भी, तुम लोग का अलग ही सीक्रेट चालू है भाई, समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरी मम्मी मेरे को नहीं बता रहा आजकल चीजें, पहले अरसलान को बता रहा है। बताओ, हद ही हो गई है, मतलब हद ही हो गई है। सारा इधर आ, पानी लेकर आ। ये कौन है? कौन है? अरसलान को काका बोलती है वो। कौन है? Not interested. She is ignoring me guys, as usual. वो मुझे ऑन कैमरा ही इग्नोर करती है, ऑफ कैमरा तो सर मेरे पे जान छिड़कती है, जान। तो गाइज, अभी हम लोग जाने वाले हैं लैपटॉप का कुछ तो करने के लिए, लैपटॉप के लिए कवर देखने के लिए, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करते हैं जैसे कि आपको पता है यहाँ से वहाँ। मैं मुझे ऐसा चाहिए कि लैपटॉप सेफ रहे। तो क्या लगवाएंगे अरसू? चलते देखते ना क्या है क्या नहीं। कहाँ पे जाएगी अभी अपन? देखते ना, पहले तो मैं तो बोलो सीमेंट की दुकान पे जाएंगे, सीमेंट का प्लास्टर बांधेंगे। हे भगवान, अपनी बॉटल लेकर पी लो, देखो तो पानी पी लिए। ए मम्मा इकड़े। गाइज, यहाँ पे अलग ही इसको शर्मा रही है अरसू के सामने, तब से तुमको कैसा बुला रही थी ना। ए तुम लोग दोनों ने भी ब्लैक पहने हुए? अरे वाह क्या। ओ सॉरी, मुझे रंग बदलते हुए दिखते नहीं है। मम्मा क्यूटी, टाटा कर दे मम्मा, टाटा कर दे। टाटा नहीं करना चाहती वो अपने को, क्या? वो क्या कुछ तो तुमको साइन लैंग्वेज में बताना चाह रही है ना कब से। गाइस, जब से अरसू आया ना तब से उसको कुछ तो बाल से ऐसे ऊपर कर करके उसको कुछ तो शायद इरिटेशन हो रही हो, तब से बताना चाह रही है लेकिन बता ही नहीं पा रही है। गाइस देखो सारा कैसे उसको बाहर जाना है, तो अरसू को कन्विंस कर रही है कि बाहर लेके चलो। मम्मा कौन लेके जाएगा बाहर? हाँ, ये मेरे को आज इग्नोर क्यों कर रही है इतना? वो खुद ही बाहर निकल रही है, बताओ। चलो टाटा सारा, टाटा बाय बाय। कहाँ जा रही है? उसको अंदर ले, अंदर ले, अंदर ले। देखो फिर बाद में मेरी भाभी तुमको ही चिल्लाएंगे।
मस्ती कर रही हूँ रे। सो गाइस अभी हम लोग मार्केट आ गए हैं और मार्केट में हम यहाँ पे लगा रहे हैं लैपटॉप को स्क्रीन गार्ड। तो ये कुछ ऐसा है, मतलब ये नीचे ऊपर और ये कीबोर्ड के लिए भी मिलेगा यहाँ पर। तो अभी हम लोग ये पूरा ऐसे लैपटॉप को लगा लेंगे गाइस, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, इसमें बर्फ़ डाल के फ्रीज करोगे क्या? देखिए कैसा कनेक्ट करी, कैसा कनेक्ट करी। और गाइस पता नहीं कहाँ से अचानक फिर बारिश होना चालू हो रही है। मतलब हम निकल रहे हैं और बारिश हो रही है, निकल रहे हैं बारिश हो रही है, और जब रेनकोट लेकर आते तब तो बारिश होती नहीं है। तो यहाँ पे हमारे लैपटॉप को लग रहा है ये पूरा स्क्रीन गार्ड, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस ये लग गया है, ऐसा पूरा ट्रांसपेरेंट है, वो पूरा ट्रांसपेरेंट। अरे थोड़ा उसको बंद करो, ज़रा दिखाने दो। अच्छा, कीबोर्ड पे भी लगा देते हैं। फिंगरप्रिंट इसके लिए, हाँ फिंगरप्रिंट रहेगा ना। ये देखो गाइस, रुको बंद करके दिखाती हूँ। ये देखो ये पूरा ट्रांसपेरेंट इसके ऊपर लग गया है, ये शाइन कर रहा है, आपको दिख रहा रहेगा। यहाँ साइड से दिखा, ये देखो, ये मस्त लग रहा है ना इसको। व्हाट से क्या अच्छा लग रहा है। सो गाइज हम लोग फाइनली सब कुछ काम वाम कर आ चुके हैं मेरी फेवरेट प्लेस पे। तो मैं बस ये चीज़ बोलकर एंड करना चाहती हूँ इस व्लॉग को कि गाइज देखो हमें कुछ लोगों का फ़ोन आया था और कुछ लोगों ने हमें जो अपने हैं उन्होंने हमें बोले कि ये सब आप लोग जो भी कर रहे हो तो वीडियो यहाँ से बन रही है वहाँ से बन रही है। तो ये सब चीज़ में बस यही चीज़ हो रही है कि ये सब चीज़ में बस बहुत लोग बस फ़ायदा उठा रहे हैं और बस इस चीज़ का बहुत लोग गलत पोर्ट्रे हो रहा है। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि गाइज अगर हम लोग गलत है और हम लोग की गलती है या हमने जो भी किया है तो मैं ये चीज़ अभी इस चीज़ को मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि यही हो रहा है कि यहाँ से हम बोल रहे हैं वहाँ से लोग बोल रहे हैं, मेन मुद्दे पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेन मुद्दा आ ही नहीं रहा है। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, एक सिंपल सॉर्टेड चीज़ है, मुझे ऐसा है कि अगर हम गलत है तो ठीक है, एक चीज़ करते हैं, मैं कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी हूँ। ठीक है, अगर सामने वाले लोगों को कन्फ्रंट करना है मैं तो रेडी हूँ कन्फ्रंटेशन के लिए, और मैं सब कुछ आप लोग को पता चल जाएगा। मुझे तो ये चीज़ ऑफ कैमरा ही करनी है, लेकिन अगर किसी को ऑन कैमरा करनी है तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। ऑन कैमरा कन्फ्रंटेशन करते हैं, आप लोग को पूरा मैटर पता चल जाएगा, क्या है क्या नहीं, किसकी क्या गलती है किसकी क्या गलती नहीं है, ए टू जेड आपको सब चीज़ पता चल जाएगी। अगर वो मेरी गलती है मेरी गलती भी पता चल जाएगी, सामने वाले की गलती है सामने वाले की भी गलती, तो सब कुछ आपको इन डिटेल पता चल जाएगा। अब ये चीज़ को मुझे और ड्रैग नहीं करना है, बहुत हो गया, बहुत ड्रैग हो गया ये सब चीज़। तो इससे अच्छा है कि ये सब चीज़ को ख़त्म करना है तो एक ही चीज़ कर सकते हैं, कन्फ्रंटेशन। तो मैं तो उस चीज़ के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर सामने से कोई कन्फ्रंटेशन के लिए नहीं आया या जो भी बोला, तब फिर आप लोग समझ जाना क्या है क्या नहीं। मुझे कुछ नहीं बोलना है फिर उसके आगे, और मैं अभी इसके आगे इस टॉपिक पे और नहीं बात करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ ये सब चीज़ क्या 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 लोग सोच रहे हैं, और लोग कहाँ तक क्या क्या कहाँ तक लोगों की सोच जाती है, लोग क्या क्या बोल रहे हैं। एनीवेज मैं तो इतना ही बोल रही हूँ, मैं रेडी हूँ कन्फ्रंटेशन के लिए, अगर सामने वाले को भी कन्फ्रंट करना है तो सब चीज़ सामने आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट व्लॉग।